नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। आज हम स्वराज 744 XT और महिंद्रा 585 XP प्लस का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर बात करें इन ट्रैक्टरों की समान फीचरों के बारे में, तो इन ट्रैक्टरों में अगले टायर 750/16 के और पिछले टायर 1428 के आते हैं। इनका अगला एक्सल एडजस्टेबल है, साथ ही इन ट्रैक्टरों में पावर स्टीयरिंग आता है। इन ट्रैक्टरों में 3 स्टेज ऑयल बाथ एयर क्लीनर दिया गया है और डबल क्लच का ऑप्शन भी उपलब्ध है। अगर बात करें इन ट्रैक्टरों के ब्रेक के बारे में, तो इन ट्रैक्टरों में आपको ऑयल इमेस्ट मल्टी डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अगर बात करें इन ट्रैक्टरों के ट्रांसमिशन के बारे में, तो इन दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इन ट्रैक्टरों में क्या अलग अलग फीचर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टरों के इंजन के बारे में। बात करें अगर स्वराज के बारे में, तो स्वराज 744 XT में आपको 3478 cc का 3 सिलेंडर नेचुरली स्प्रेटेड इंजन मिलता है, जो 2000 रेटेड rpm पर चलकर लगभग 52 hp की ताकत और 228 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। वहीं बात करें महिंद्रा 585 XP प्लस की, तो इसमें आपको 3037 cc का 4 सिलेंडर नेचुरली स्प्रेटेड इंजन मिलता है, जो 2100 rpm पर चलकर लगभग 50 hp की ताकत और 192 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्वराज 744 XT का इंजन ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा दमदार है, साथ ही अधिक टॉर्क देता है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टरों की PTU HP के बारे में। स्वराज 744 XT में आपको 44 hp की PTU मिलती है, साथ ही महिंद्रा 585 XP प्लस में आपको 45 hp की PTU मिलती है। दोनों ही ट्रैक्टरों में रिवर्स PTU और मल्टी स्पीड PTU का ऑप्शन उपलब्ध है। PTU के मामले में महिंद्रा 585 XP प्लस स्वराज से ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टरों की लिफ्ट के बारे में। स्वराज 744 XT में आपको 1800 kg की हाइड्रोलिक मिलती है, वहीं महिंद्रा 585 XP प्लस में आपको 1700 kg की हाइड्रोलिक मिलती है। दोनों ही ट्रैक्टर ऑटोमेटिक ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ आते हैं, साथ ही दोनों में कंपनी फिटेड DC बल्ब लगा है। सारे बातों को ध्यान में रखकर अगर हम देखें तो कुछ जगहों पर स्वराज 744 XT और कुछ जगहों पर महिंद्रा 585 ट्रैक्टर ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो सिर्फ ढुलाई के लिए अच्छा हो, तो आप स्वराज 744 XT ले सकते हैं, और साथ ही अगर आपको रोटावेटर और थ्रेसर जैसे उपकरणों के लिए ट्रैक्टर चाहिए, तो आप महिंद्रा 585 XP प्लस ले सकते हैं। बाकी दोनों ही ट्रैक्टर में केवल 19-20 का ही फ़र्क है। अगर और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।